जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी क्लास होती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी लोग आ जाइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। और देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कोर्ट मार्शल नाटक के लेखक आपके लिए बताना है कौन है, बताइए। तो कोर्ट मार्शल नाटक के लेखक आपके लिए चयन करना है यहाँ पर, कौन माने जाते हैं बताइएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर, लक्ष्मी नारायण लाल है, स्वदेश दीपक है, मणि मधुकर है या फिर शंकर शेष है। क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का सही राइट आंसर बताना है। लवली जी, गुरप्रीत जी, कल्पना जी, प्रीति जी, मदन जी, राइट आंसर आप सभी का स्वदेश दीपक। कोर्ट मार्शल के लेखक माने जाते हैं कौन, स्वदेश दीपक जी का ये नाटक वेदा की रचना मानी जाती है कोर्ट मार्शल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मणि मधुकर का कौन सा नाटक कबीर दास के व्यक्तित्व पर आधारित है। मणि मधुकर का नाटक बताना है रस गंधर्व है, एक तारे की आंख, बुलबुल की सराय या फिर खेला पोलमपुर। 2 का राइट आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। मणि मधुकर का कौन सा नाटक कबीर दास के व्यक्तित्व पर आधारित है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में। विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही राइट, 2 राइट आंसर होगा। एक तारे की आंख आपका सही राइट आंसर है, एक तारे की आंख जिन्होंने विकल्प नंबर 2 चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। एक तारे की आंख जो है मणि मधुकर का नाटक माना जाता है जो कबीर दास के व्यक्तित्व पर आधारित है। संगीता जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 पूछा गया है। देखिएगा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के किस नाटक में नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है बताइए। 3 का सही राइट आंसर क्या होगा, नेफा की एग्जाम, वतन की आबरू, शुतुरमुर्ग या फिर चिराग जल उठा। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के किस नाटक में नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है राजन सिंह जी, और सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा, शुतुरमुर्ग आपका सही आंसर है। शुतुरमुर्ग नाटक है जो इसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है, विकल्प आपका बिल्कुल सही राइट आंसर सी, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। जोड़ बाकी एक कहानी संग्रह के लेखिका आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर जोड़ बाकी, शिल्पा जी बताइए। जोड़ बाकी कहानी संग्रह माना जाता है किनका है, शशि प्रभा या फिर शिवानी या चंद्रकांता या फिर ममता कालिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि ये कहानी संग्रह माना जाता है शशि प्रभा का, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा। शशि प्रभा का ये जो है कहानी संग्रह माना जाता है कौन सा, जोड़ बाकी, जो कि पूछा जाता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माई का शोक गीत कहानी की लेखिका कौन, लेखक कौन माने जाते हैं बताइए। माई का शोक गीत ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। गिरिराज किशोर है, दूधनाथ सिंह है या अज्ञे है या फिर उदय प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। माई का शोक गीत कहानी मानी जाती है ए और इसके लेखक माने जाते हैं दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह आपका सही राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर 2 जो है सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मना स्थिति पर आधारित है बताइए। कौन सी कहानी है, इंसान के खंडहर, एक और जिंदगी, फौलाद का आदमी या फिर मलबे का मालिक। सही राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मलबे का मालिक।
मलबे का मालिक जो कहानी है मोहन राकेश जी की कहानी मानी जाती है। इसमें भारत विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मना स्थिति पर ही आधारित कहानी मानी जाती है, जो कि सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया, मलबे का मालिक। कौन सी कृति रघुवीर साय की नहीं है बताइए, नहीं बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 में चयन कीजिएगा, नहीं बताना है। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या की पहले, आत्महत्या से पहले, अकाल या फिर बनारस। भाई कृति आपके लिए चयन करना है जो रघुवीर साय की नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर लगा दीजिएगा, बनारस। बनारस कृति रघुवीर साय की नहीं मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया पार्वती जी डी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, आदिहीन अनंत यात्रा के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइए। आदिहीन अनंत यात्रा, जगदीश गुप्त, विपिन कुमार अग्रवाल, नागार्जुन या फिर अज्ञे। तो संदीप जी, रोली सिंह जी सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में, आदिहीन अनंत यात्रा के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा। रीमा जी बिल्कुल, विपिन कुमार अग्रवाल आप सभी का सही राइट आंसर है, विपिन कुमार अग्रवाल इसके रचनाकार माने जाते हैं, जो कि विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर चयन किया है। सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल काव्य संग्रह किसका माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, शमशेर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर कैलाश वाजपेयी। सतपुड़ा के जंगल काव्य संग्रह किसका माना जाता है ये आपको बताना है। तो चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 है और 9 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र आपका सही राइट आंसर होगा। सतपुड़ा के जंगल ये जो है किसका काव्य संग्रह माना जाता है, भवानी जी का माना जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 दिया गया, देखते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानी है ये आपको बताना है। रामनरेश त्रिपाठी से, रामेश्वर शुक्ल अंचल से या फिर गिरजा कुमार माथुर, बिल्कुल सही, या फिर भगवती चरण वर्मा, क्या होगा सही राइट आंसर। लखमिंदर जी, मंजू जी, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 10 का सही राइट आंसर होगा। तो क्या है राइट आंसर, नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद के नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानी है, रामेश्वर शुक्ल अंचल होगा सही राइट आंसर। रामेश्वर शुक्ल अंचल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर ये काव्य संग्रह किसका माना जाता है ये आपको बता रहे, इंदु जैन या फिर सुनीता जैन, अनीता, राकेश या फिर अनामिका। 11 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर 11 में। नामवीर जी, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर काव्य संग्रह किसका माना जाता है और सभी का सही राइट आंसर होगा इंदु जैन। इंदु जैन जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर 1 उनका यहां पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, इंदु जैन आप सभी का सही राइट आंसर है। कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर इंदु जैन का एक काव्य संग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए, धीरे उठाओ मेरी पालकी, मैं हूँ सुहागिन गोपाल की, जो पंक्ति है किसकी पंक्ति मानी जाती है बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आपसे पूछी गई है। चार विकल्प दिए गए हैं, केदारनाथ अग्रवाल, रांगी राघव, नागार्जुन या फिर से मंगल सह समन। धीरे उठाओ मेरी पालकी, बेहू सुहागिन गोपाल की ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, तो सही राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति मानी जाती है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। सीनू यादव जी,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 पूछा गया है, घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है, बताइएगा भाई कौन सी कृति है, कृष्ण कौमुदी है, सुजानहित है, या फिर इश्कलता है, या फिर यमुना यस है। तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है, और सभी लोग बता रहे हैं 13 में विकल्प नंबर 1 होगा सही राइट आंसर, यानी कि कृष्ण कौमुदी में, कृष्ण कौमुदी आपका विकल्प नंबर 1 जो है सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 पूछा गया है, देखिएगा रीति काव्य में कौन सा रूप अपनाया गया है, रीति काव्य में पूछा है, बताइए रीति काव्य में कौन सा रूप अपनाया गया है, प्रबंध, मुक्तक, कथा, या फिर चंपू। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 दिया गया है, और 14 का सही राइट आंसर चयन करना है अरविंद सिंह जी, रतिपाल जी, और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, रीति काव्य में कौन सा रूप अपनाया गया है, और मुक्तक, सभी लोग बता रहे हैं कि मुक्तक रूप अपनाया गया है रीति काव्य में, तो विकल्प नंबर आपका 2 जो है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है, रीति काव्य में मुक्तक रूप अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, बिहारी की उहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है, 15 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, दरबारी संस्कृति का, राम काव्य का, फारसी कविता का, या फिर कृष्ण काव्य का, बताइए। तो बिहारी की उहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 15, और राइट आंसर है 15 का विकल्प नंबर सी, यानी कि फारसी कविता का, फारसी कविता आपका विकल्प नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बिहारी की उहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है, फारसी कविता का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 16 सरल क्वेश्चन है कि गंगावतरण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, रत्नाकर है, पद्माकर है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र है, राधा चरण गोस्वामी है, 16 में चयन करना है सही राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 16 का सही राइट आंसर गंगावतरण के रचनाकार चयन करना है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप सभी का सही राइट आंसर है रत्नाकर, रत्नाकर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है रत्नाकर, गंगावतरण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, रत्नाकर जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की वह कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह कृति आपके लिए 17 में बताना, चिदम्बरा है, लोकायतन है, युगांत है, या फिर स्वर्ण किरण है, 17 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, बताइए क्या है सही राइट आंसर। पंत जी की भाई कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से जो है सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और आप सभी का राइट आंसर लोकायतन भाई कृति मानी जाती है, बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, लोकायतन के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया है सुमित्रानंदन पंत जी को। क्वेश्चन नंबर आपका 18 यहाँ पर दिया गया है कि निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है, निराला जी की वह कविता आपके लिए बताना, राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है, बादल राग, या फिर यमुना की प्रीति, बताइए। विजेता सिंह जी क्या होगा सही राइट आंसर, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है, और आप सभी का 18 में राइट आंसर क्या होगा, 18 का विकल्प नंबर 1 यानी कि राम की शक्ति पूजा आपका सही राइट आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, राम की शक्ति पूजा जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है, कहा गया है, बताइए। नागार्जुन जी को, अज्ञेय, निराला, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का सही राइट आंसर बताना है कि आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता, बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 में विकल्प नंबर सी यानी कि निराला को, निराला आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, निराला जिन्होंने भी चयन किया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं बताइए। नागार्जुन है, त्रिलोचन है, जयशंकर प्रसाद है या फिर केदारनाथ अग्रवाल है। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 20वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है। हाँ लवली जी बिल्कुल, श्वेता जी विकल्प नंबर 20 में आपका डी राइट आंसर होगा यानी कि केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जिन्होंने विकल्प नंबर 4 चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 21 कि यहाँ पर देखिएगा 21वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये रहा कि केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है। वह कृति आपके लिए बताना है आग का आईना है, नींद के बादल है, युग की गंगा या फिर हे मेरी तुम बताइए। तो राजेश जी 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है और युग की गंगा आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है सही राइट आंसर होगा। युग की गंगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो है सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 पूछा गया है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित है कौन प्रभावित है। महादेव वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है या फिर अज्ञेय है। चयन कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 पूछा गया है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन माने जाते हैं। सभी लोग सुमित्रा नंदन पंत बता रहे हैं। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। ये जो है अपने काव्य जीवन में उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है आपसे। जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है बताइए। अयोध्या का उद्धार है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है या फिर महाराणा का महत्व है बताइए। सभी लोग चयन करेंगे। रजनी वाला जी क्या होगा सही राइट आंसर। पूनम रानी जी, प्रसाद जी की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है और आप सभी का सही राइट आंसर है महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व विकल्प नंबर 4 आपका सही राइट आंसर है। प्रसाद जी की लंबी कविता मानी जाती है महाराणा का महत्व जो कि सभी लोगों का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है। कामायनी को रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने, नागार्जुन ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और 24 में सही राइट आंसर आ रहा है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र अरविंद जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका सही राइट आंसर है। कामायनी को मानव चेतना का विकास का महाकाव्य, चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया, निराला इज ऑलरेडी डेड किसने घोषित किया है बताइए। चिकित्सक ने, अज्ञेय ने, नियमी चंद्र जैन ने या रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और 25 का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर नामवीर जी, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है यानी कि अज्ञेय ने। निराला इज ऑलरेडी डेड किसने घोषित किया है, तो ये अज्ञेय ने घोषित किया है। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ में से कौन सा है। आचार्य शुक्ल का बताना है आलोचना दर्श है, समालोचक है, काव्य में रहस्यवाद या फिर कविता क्या है बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और 26 में आप सभी का सही राइट आंसर है काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद आपका सही राइट आंसर होगा। ये आचार्य शुक्ल जी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ माना जाता है काव्य में रहस्यवाद। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है बताइए। 27वां क्वेश्चन है और 27 में चयन करना है। मिडलटन मरे ने, नॉर्मन फोस्टर ने, वार्ड ने या फिर हर्बर्ट रीड ने। 27वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर पूजा गौर जी क्या होगा सही आंसर बताइए। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है और 27 में आप सभी का विकल्प नंबर एक राइट आंसर आ रहा है मिडलटन मरे आपका सही राइट आंसर होगा। मिडलटन मरे बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 यहां पर दिया गया है। देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए रंगी रागकृत अदम्य जीवन किस में प्रकाशित हुआ था बताइएगा। ये आपके लिए चयन करना है हंस में, सरस्वती में, विशाल भारत में या रूपाभ में। 28 का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो चार विकल्प आपके दिए गए हैं और रंगी रागकृत अदम्य जीवन किस में प्रकाशित हुआ था ये आपके लिए बताना है। और सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहां पर सी राइट आंसर होगा यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर विशाल भारत। विशाल भारत आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहां पर जो 3 है वह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं बताइए। हिंदी में पूछा, हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक हैं शिवदान सिंह चौहान, पद्म सिंह शर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर परमानंद श्रीवास्तव। और आप सभी का सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है और संदीप जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 29 में। विकल्प नंबर 1 शिवदान सिंह चौहान आप सभी का सही राइट आंसर है कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक पूछा है। सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। शिवदान सिंह चौहान जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक आपके लिए बताना है कौन है बताइए। हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक बताना है बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, देवी प्रसाद मुंसिफ है या राधा कृष्ण दास है। तो सही राइट आंसर होगा आप सभी का यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 में विकल्प नंबर 1 होगा सही राइट आंसर बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 31 दिया गया। शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया है बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। 31 का सही आंसर बताना। शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया है अज्ञे, विष्णु प्रभाकर, निराला या फिर गांधी जी। चयन करना है। चार विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और 31 का सही राइट आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विकल्प नंबर आपका यहां पर 1 सही राइट आंसर आ रहा है अज्ञे जी के जीवन को आधार बनाया गया है शिखर से सागर तक में। विकल्प नंबर 1 जो है सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है वो। हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए। साकेत एक अध्ययन किसकी रचना है बताइए राबिता जी क्या होगा सही राइट आंसर। साकेत एक अध्ययन किसकी रचना है आपसे पूछा गया है। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर ले। और 32 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा साकेत एक अध्ययन। ये रचना मानी जाती है डॉक्टर नगेंद्र जी की। विकल्प नंबर डी आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है राजीव जी उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 पूछा गया है। महादेवी वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन किसने किया है बताइए।
क्या होगा सही राइट आंसर? महादेव वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन किसने किया है? नंद दुलारी वाजपेयी ने, गंगा प्रसाद पांडे ने, डॉक्टर वासुदेव सहने ने या फिर डॉक्टर बच्चन सहने? अंश जी चार विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर दो राइट आंसर होगा, गंगा प्रसाद पांडे जी ने महादेव वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन किया है। विकल्प नंबर दो आप सभी का सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 34वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। रोमांटिसिज्म शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? बताइए बिंदु जी क्या होगा सही राइट आंसर? कल्पना जी, राजेश कुमार जी, रोमांटिसिज्म शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारतेंदु ने किया है, हरिओद डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल? परमिंदर जी सही राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जी, लगा दीजिएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में विकल्प नंबर चार आपका सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं की आरंभिक आलोचनाएं इनमें से किस कोटि की है? ये आपके लिए बताना, व्याख्यात्मक है, व्यंगात्मक है या फिर निर्णयात्मक है या फिर प्रशंसात्मक है? 35वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं की आरंभिक आलोचनाएं किस कोटि की है? और विकल्प नंबर तीन आपका सही राइट आंसर होगा, यानी कि निर्णयात्मक आपका सही राइट आंसर है। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है, विकल्प नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 दिया गया है यहाँ पर कि रामानंद के कितने शिष्य साहित्य जगत में खूब प्रसिद्ध हुए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए 16, 9, 10 या फिर 12 है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? रामानंद के कितने शिष्य साहित्य जगत में खूब प्रसिद्ध हुए हैं और 36 में आप सभी का राइट आंसर है 12 है। 12 शिष्य रामानंद जी के जो थे ये साहित्य जगत में खूब प्रसिद्ध हुए हैं। बिल्कुल सही, सभी के लिए पता है, सरल क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा, किस आलोचक ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीरदास ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव और भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था? किस आलोचक ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने या परमानंद श्रीवास्तव ने? 37वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 37 में, पार्वती जी विकल्प नंबर दो राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन माना जाता है, प्रसिद्ध कथन है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास के किस ग्रंथ में राग सागर, सूरदास जी के किस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है? बताइए सूर सागर को या फिर सूर सारावली को, साहित्य लहरी को या फिर कोई नहीं को? तो पूर्णिमा जी राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 38 में, एक सही राइट आंसर है, यानी कि सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका एक अनुका जी सही राइट आंसर होगा, जिन्होंने ए चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर काजल जी अगला देखिएगा यहाँ पर दिया गया है 39वां क्वेश्चन, अष्टचाप की स्थापना कब हुई? ये सरल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बताइए 1560 में, 1565 में, 1570 में या 1575 ने? और अष्टचाप की स्थापना किसने की ये भी आप कमेंट में बताइए। अष्टचाप में 8 कवि थे और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है, अष्टचाप की स्थापना 1565 में हुई थी। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, किसने की थी जल्दी से बताइए कमेंट में। 1565 में अष्टचाप की स्थापना हुई थी ये तो बता दिया, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, रावण की सभा में अंगद का
पैर जमाकर डटे रहने का वर्णन किस रचना में मिलता है? बताइएगा कौन सी वह रचना है, चयन कीजिए। विट्ठलनाथ, बिल्कुल सही, बहुत सही, सभी लोगों ने सही राइट आंसर बताया है कि विट्ठलनाथ जी जो थे इन्होंने अष्टचाप की स्थापना की थी। अष्टचाप में 8 कवि थे और 1565 ईस्वी में अष्टचाप की स्थापना हुई थी। रावण की सभा में अंगद का पैर जमाकर डटे रहने का वर्णन किस रचना में, भरत मिलाप में है, अंगद पैज, सत्यवती कथा या फिर राम जन्म। 40वां क्वेश्चन है और 40 में आप सभी का सही राइट आंसर हो रहा यहाँ पर आ रहा है विकल्प नंबर बी यानी कि अंगद पेज, यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अंगद पेज बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गंगाराम जी, विकल्प नंबर बी सही राइट आंसर है। चंदाइन की भाषा बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर, चंदाइन की भाषा बताइएगा। ग्राम्य ब्रजभाषा है, परिष्कृत अवधि है, परिष्कृत ब्रजभाषा है या फिर ग्राम्य अवधि है। 41 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, ग्राम्य अवधि होगा सही राइट आंसर, विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। चंदन की भाषा बताना है तो ग्राम्य अवधि माना जाता है, मदन जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है विकल्प नंबर डी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया 42वां क्वेश्चन है कि मृगावती प्रेमाख्यान का नायक कौन माना जाता है, मृगावती प्रेमाख्यान का नायक बताना है, रत्नसेन है या फिर लोर है, मनोहर है या फिर राजकुमार है। 42वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक अवश्य कर लें। और 42 में आपका राजकुमार सही राइट आंसर लगा देते हैं, विकल्प नंबर डी आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 43 पूछा गया है, हरदेव बायरी के अनुसार पद्मावत की मूल प्रतियां किस लिपि में है, वह लिपि आपके लिए बताना है कौन सी लिपि है, बताइए गुरुमुखी लिपि है, देवनागरी लिपि है, गुप्त लिपि है या फिर फारसी लिपि है। 43 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, हरदेव बायरी के अनुसार बताना है पद्मावत की मूल प्रतियां किस लिपि में है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है फारसी लिपि में है, किस लिपि में है, फारसी लिपि आपका 43 में डी वाला विकल्प जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 दिया गया है, क्या पूछा गया है देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक में किन प्रेमाख्यानों का उल्लेख है, वह प्रेमाख्यान आपके लिए बताना है कौन कौन से वह प्रेमाख्यान है, मधुमालती चंदाइन है, चंदाइन चित्रावली है, मृगावती मधुमालती है या पद्मावत चंदाइन है। तो हरमिंदर जी राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 में, बताइए हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक में किन प्रेमाख्यानों का उल्लेख मिलता है, वह विकल्प नंबर सी राइट आंसर मृगावती और मधुमालती, ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा, इसके लेखक बताइएगा कौन माने जाते हैं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर आपका 45 पूछा गया है कि उस्मान ने अपने प्रेमाख्यान काव्य शैली में अपने से पूर्व के किस कवि का अनुसरण किया है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर, जायसी, कुतुबन या फिर ईश्वरदास या फिर मंझन। 45वां क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और 45 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्या राइट आंसर, जायसी यानी कि विकल्प नंबर एक आपका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर एक आपका यहां पर सही राइट आंसर है संदीप जी, बिल्कुल सही, बनारसी दास जैन जो है उन्हीं की प्रथम हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथानक, और उस्मान ने अपने प्रेमाख्यान में काव्य शैली में अपने से पूर्व के किस कवि का अनुसरण किया है, तो जायसी यहां पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 46 पूछा गया है, नूर मोहम्मद का दूसरा प्रेमाख्यान कौन सा है, बताइए प्रेमाख्यान बताना है मधुमालती है, अनुराग बांसुरी है या फिर चंदाइन है या फिर चित्रावली है।
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 40वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 40 का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो काजल जी, अनुका जी, नीता जी, आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, अनुराग वासरी। अनुराग वासरी यहाँ पर सही राइट आंसर है। जो अनुराग वासरी है, नूर मोहम्मद का दूसरा प्रामाख्यान काव्य माना जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। परमानंद दास की भक्ति मानी जाती है, किस भाव की इनकी भक्ति है बताइए, सख्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव या फिर इनमें से कोई नहीं बताइए। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 47वां क्वेश्चन पूछा गया है, परमानंद दास की भक्ति मानी जाती है, किस भाव की मानी जाती है, तो आप सभी का 47 में सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा, माधुर्य भाव आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही पूनम रानी जी, माधुर्य भाव होगा 47 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 48वां क्वेश्चन है कि अष्टचाप में अधिकारी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे बताइए। अष्टचाप में पूछा है, अष्टचाप में अधिकारी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, परमानंद दास थे या फिर वल्लभाचार्य, कुंभन दास या फिर कृष्ण दास, चयन कीजिएगा। चार विकल्प है मंजू जी और नामवीर जी, सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, अष्टचाप में अधिकारी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, और आप सभी का 48 में सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 यानी कि कृष्णदास आपका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही राइट आंसर है। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है, ये भक्ति पूछ लिया गया, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है, माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, कोई नहीं, और जो मीराबाई है इनके गुरु माने जाते हैं कौन, रैदास, रैदास इनके गुरु है, और मीराबाई की जो भक्ति है वह मानी जाती है माधुर्य भाव की, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद स्वामी को अष्टचाप में किसने दीक्षित किया था, क्वेश्चन नंबर 50 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। छवि जी, गोविंद स्वामी को अष्टचाप में किसने दीक्षित किया था, परमानंद दास, वल्लभाचार्य, कुंभन दास या फिर विट्ठलाचार्य, और 50 का सही राइट आंसर है, विट्ठलाचार्य आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 51 पूछा गया है कि किसने लिखा है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है बताइए, ये किसने लिखा है, रामविलास शर्मा ने, उदय भानु सेन ने, बच्चन सेन ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 में, सॉरी हाँ 51 का सही राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल, आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, ये किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, विकल्प नंबर 4 आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 52 आपका दिया गया है, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन सभय संकेत कहूं अवसर नहीं आयो, पंक्तियों के रचयिता आपके लिए बताना है, सूरदास है, नंददास है, कृष्णदास है या फिर परमानंद दास है, 52 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन कीजिएगा, और 52 में जो पंक्तियां दी गई हैं जसमेल जी, वह पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी, नंददास जी की पंक्तियां मानी जाती हैं, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कवि गंग को किस काव्य में रखा है बताइएगा, आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में या फिर आधुनिक काल में, चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, रामचंद्र शुक्ल जी ने गंग कवि को किस काव्य में रखा है, राइट आंसर आ रहा है भक्ति काल में, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, भक्ति काल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया। रसखान ने कृष्ण भक्ति में छंद लिखे हैं, गे पद, चौपाई, कवित्त सवैये या फिर दोहे, अरविंद जी क्या होगा सही राइट आंसर, कल्पना जी, क्वेश्चन नंबर 54 है और 54 का सही राइट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर आपका कवित्त सवैये होगा सही राइट आंसर। कवित्त सवैये रसखान ने कृष्ण भक्ति में छंद लिखे हैं, कवित्त सवैये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया है, क्या है निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु। पंक्ति के रचनाकार ध्रुवदास है, दादू दयाल है, जगन्नाथ दास है या फिर सुंदर दास है, बताइए। नीता कुमारी जी ये पंक्तियां आपके लिए बताना है, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु। पंक्ति के रचनाकार माने जाते हैं दादू दयाल, कौन माने जाते हैं दादू दयाल, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। जिन्होंने बी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है शाम को सुबह 9 बजे और रात्रि में 10 बजे, इसी चैनल पर ये 2 क्लासें होती हैं और एक शाम को 4 बजे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं, मात्र 299 रुपए में। ये टेस्ट सीरीज है, सभी कवियों का क्रमबद्ध जीवन परिचय मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज जो भी परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं, हिंदी साहित्य के इस वाली ऐप पर ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी और इस ऐप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से सभी लोग डाउनलोड कर ले और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मदन जी, कल्पना जी, लवली जी, रीमा जी, राजीव जी, संगीता जी, नामवीर जी, पूजा जी, हरमिंदर जी, रौली जी, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। लखविंदर जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, और राजीव जी, नामवीर सिंह जी, निशा वर्मा जी, प्रीति पाल जी और निशा वर्मा जी, मंजू जी, राजीव मौर्य जी, शांति वर्मा जी और संगीता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बिल्कुल लखविंदर जी, हरमिंदर जी और मंजू जी, मदन जी, बिंदु लता जी, अंश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम रानी जी, अनुका जी और नामवीर जी, संदीप जी, रिंकी जी, कल्पना जी, रीमा कुमारी जी, निशा वर्मा जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग लाइक से अवश्य कर लेंगे। सभी के लिए जय हिंद।